इसमें ये बनता है कि मम्मी चाय बनाएंगे ना इसमें? लकड़ी लगाऊं? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं अगेन व्लॉग कर रही हूँ। आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं इतने दिनों से कुछ भी व्लॉग नहीं करी थी। मैंने शॉर्ट भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। एक्चुअली क्या है ना, इतना सब हो रहा है, एज़ यू गाइज नो दैट आई एम गेटिंग मैरिड सून, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। तो बहुत ही कम वक्त बचा है। एंड क्या हो रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम सा टेंशन आ गया मेरे ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगस्त, सितंबर भी पूरा चला गया और मैं दोनों महीना बीमार ही थी। और अभी आज 29th of September है, आज भी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, पर जैसे आपको पता है कि विंटर सीज़न में मेरी क्या हालत होती है, मतलब मेरी खांसी नेक्स्ट लेवल की होती है। कितना भी नुस्खे कर लो, घर का दवाइयाँ कर लो, जल्दी आराम नहीं पड़ता है। तो बहुत कुछ है और मैं बहुत ज़्यादा फिर बीच में तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी को एडमिट वगैरह करना पड़ा था। तो बहुत कुछ था। और आई एम नॉट अ डेली ब्लॉगर, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर चीज़ ऐसे उठा उठा के रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो मैं ऑफन ही करती हूँ ब्लॉग। और एक चीज़ आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, तो यार घर में पुटिंग हो गई है, पूरे घर में नहीं हुई है, सिर्फ हॉल में हुई है, क्योंकि पूरे घर का बजट नहीं था तो सिर्फ हॉल में करवाया है। एंड देखो ना, हुई भी तो कब, जब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मतलब इतने साल यहाँ पे रही और मेरे वीडियोस में पूरा वॉल ख़राब आता था। कि बहुत सारे लोग तो कमेंट्स भी करते थे कि भाई वॉल को तो पेंट कर लो। भाई पेंट हम अपने मन से नहीं कर सकते, इसमें पुटिंग ही नहीं हुआ था, तो ये एक है। और फिर जैसे कि शादी की बात है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे शेयर करनी है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो अभी ऑफकोर्स मैं रिवील नहीं कर सकती, अभी नहीं है, नहीं डाल सकते सारी चीज़ें। वो बोलते हैं ना, वॉट टू शेयर, वॉट टू नॉट शेयर। और ये जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना, तो एक बारीक सी थिन लाइन होती है प्राइवेसी और इसके बीच में, तो मैं बहुत कन्फ्यूज थी। तो आई डिसाइडेड नॉट व्लॉग एनीथिंग, तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया और मैं बिल्कुल अपने आप को टाइम दे रही थी। और ये मैं अगस्त में, तो मैंने कैमरे को हाथ ही नहीं लगाया। सितंबर में मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट किया कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, जब भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी हो गई है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बची है, तो वो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी है जो बची है, अभी भी बची है। मतलब शादी का काम ऐसा होता है कि जो ख़त्म ही नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा टाइम मेरा जा रहा है टेलर के तरफ में, मतलब मैं हर हफ्ते टेलर की तरफ जा रही हूँ। मैंने 5 अलग अलग टेलर के तरफ में अपने कपड़े दिए हैं, एक इधर, कुछ ऑल्ट्रेशन के भी है कपड़े, तो सारी चीज़ें अलग अलग जगह दिया है। तो आज मुझे कल मैं एक टेलर की तरफ से आ गई हूँ, तो 1-2-3 जगह पे जाना है। एंड उसके अलावा मुझे और थोड़े कपड़े भी लेने जाने थे, तो मैं जाऊँगी और आज होपफुली मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं अब कब तक के रिकॉर्ड करूँगी, पर स्टार्ट तो हो गया आज से। जैसे मैं थोड़ा बता दूँ कि ना, मैं थोड़ी सी इसे जैसे 2 महीने से कैमरे को हाथ नहीं लगाई ना, तो थोड़ा प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी चीज़, ये देखो, ये मेरा बेड था और यहाँ पे एक और एक बेड था, तो ये बेड को निकाल के यहाँ रख दिए हैं, मतलब ये दरवाजे के सामने में है, क्योंकि ये बेड उठ जाएगा और सिर्फ एक ही बेड रहेगा शायद से, तो इसीलिए अभी मतलब तैयारियाँ बिल्कुल शुरू है। एंड दूसरी चीज़, ये देखो, ये मेरा जो ड्रेस दिख रहा है, ये मेरा एकदम टाइट था और ये मेरा पूरा पेट कवर करता था ये ड्रेस, और ये अच्छा खासा ढीला हो गया है। मेरी डाइट ख़त्म हुए तो पूरा 2 महीना हो गया है, नहीं अगस्त, हाँ पूरा 2 महीना हो गया है, 2 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, जितना भी हुआ। तो अभी मेरा 700 ग्राम और बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं, बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे पोहा आके बनाना है और आज मैं लंच में पोहा खाने वाली हूँ। यहाँ पे जो भी सब दिख रहा है, ये सारे के सारे कपड़े हैं, ये भी सारे कपड़े हैं। समझ ही नहीं आ रहा मुझको ना, मैं बहुत ब्लैंक काम कर रही हूँ और थोड़ा लूज मोशन भी लग गया है, क्योंकि खांसी की वजह से मैं गर्म पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी, तो उसकी वजह से लूज मोशंस भी थोड़े से लग गया है, क्योंकि सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ। तो मैं ये वाला ड्रेस सिलवाने डाल रही हूँ, और दिस वन, ये दो ड्रेस मेरे
और मम्मी का, मम्मी का तो मम्मी का मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला ड्रेस, तो शायद ये मुझे गिफ्ट में बाद में मिल जाएगा। ये ड्रेस भी बहुत पसंद आया, और ये एक ड्रेस है जो थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो इसको फिटिंग प्रॉपर करने जा रही हूँ। फिटिंग नहीं, बस थोड़ा सा गले से थोड़ा बिगड़ गया है। हाँ भी इसके नाटक रहे थे बहुत। वाह इतना सारा पीना है। ये अगरम बगरम तगरम मूवी भी है। ये मम्मी प्यार से पिला रही है। इतने बड़े चम्मच से, इतने बड़े हैं वो, गिर जाएगा नहीं क्या? एक मिनट, अदरक है ज्यादा लग रहा। वाह अभी मैं अपना इनविटेशन कार्ड का जो है फाइनलाइज करके आई हूँ मैटर, क्योंकि जब मैं पहले देकर आई थी मैटर तो उन्होंने जो फॉन्ट वगैरह है ना वो अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने वो अभी चेंज करवाया एंड अभी मैं आई हूँ वही सब करवा के। इतना टाइम और इतनी गर्मी लग रही है, मैं बता नहीं सकती, सबको ही गर्मी लग रही है। और पता नहीं मेरे घर में इतनी उमस हो रही है कि बैठ भी नहीं सकते, बस ऐसे लग रहा है घर के बाहर ही बैठे रहो। तो इनविटेशन कार्ड का अभी फाइनली हो गया, और सच बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे इनविटेशन कार्ड में छपवाऊँगी, बट ठीक छपवाए हैं। और अभी क्या, बाहर से मैंने गुपचुप खा लिया, खांसी इतनी हो रही थी कि मैंने बोला अब मुझे गुपचुप खाना है, और इतनी सारी दवाइयाँ खाई तो कुछ नहीं हुआ, और गुपचुप खाई तो अभी ठीक है, पर थोड़ी देर बाद फिर से चालू होने ही वाली है, मुझे पता है क्या है। ओके तो जस्ट मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, और खांसी इतनी ज़्यादा थी, मैंने बहुत मतलब दवाइयाँ कर लिया पर कुछ भी नहीं हुआ, अपने मन से नहीं, डॉक्टर के थ्रू, बट एक डॉक्टर है जिसका मुझे बहुत ही अच्छे से आराम पड़ा था लास्ट टाइम, दशपुत्रे करके है, तो फिर मैं वहाँ गई। और ये सेट की मे भी दो रीज़न हो सकता है, एक तो एलर्जी वो तो है फॉर श्योर, और दूसरा एसिडिटी, तो अब एसिडिटी के लिए मिर्ची वगैरह कम खानी है, तो देखते हैं। अभी मेडिसिन वगैरह तो मिला है अभी 14 डेज़ का, पिछले टाइम उन्होंने मेडिसिन दिया था वही है एक दो, तो शायद आराम पड़ जाए, क्योंकि भाई मेरी नींदें हराम हो गई हैं। अभी हल्दी का दिन ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है, बस अभी सबको बताना बचा है, तो मैं सबको बता देती हूँ कि ये थीम है, ऐसे से तैयार होना है। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, तो ऐसा मतलब पूरी ब्लैंक हो गई, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। यू नो टू डू लिस्ट बनाते हुए भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, मतलब सोचो वो कैसा होगा, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं। एंड मैंने हाँ जो है अपना वेडिंग कार्ड्स जो है वो प्रिंटिंग के लिए डाल दिया है, तो शायद 1 वीक में हाँ आ ही जाएगा 1 वीक में, और ओके तो मेरे को क्या हो गया था कि खांसी मेरी बैठ नहीं रही थी, तो मैं एक और एक डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मेडिसिन मुझ पर वर्क नहीं कर रही थी मुझे ऐसा लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि नेबुलाइजर ट्राई करते हैं, और सेम मेडिसिन के साथ में, तो जो प्रीवियस डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दिया था और उसके साथ में मैंने नेबुलाइजर ऐसा कॉम्बिनेशन भी ट्राई किया, तो इतना ज़्यादा था कि मैंने पहले ऑफिस में ही मंगाया, और फिर ऑफिस में ही मैंने नेबुलाइजर दो दफ़ा तो ऑफिस में ही लिया, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है मेरी खांसी। मतलब मैं सिर्फ बोल रही हूँ ना तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम होता है यार। एंड फिर मुझे सरप्राइज़ मिला विथ सम गिफ्ट्स, तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले मुझे, थोड़े नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, एंड देन थोड़ा सा और गिफ्ट्स, थोड़ा मेकअप का भी सामान वगैरह, और उसके साथ में ये जो शगुन होता है ना, तो ये शगुन वगैरह मिला, और फिर मैंने कट किया ब्राइड टू बी का केक, तो ये मेरा पहला केक था, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ब्राइड टू बी वाला केक ये सब कभी काट पाऊँगी, बट थैंक्स टू देम जो मेरे लिए केक वगैरह लेकर आए, और बहुत अच्छा दिन था वो वाला। गाइस आज सुबह सुबह बन रही है वड़ी, मम्मी काय की वड़ी है ये, मूंग की दाल की छिलटी, और ये मेरे शादी के लिए क्यों है, पर वो एक रिवाज रहता कि बड़ी भाजी कड़ी भजे चावल। अच्छा जहाँ हल्दी के खाने के दिन ना, तो हम लोग घर पे बना रहे हैं, हम लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं, बट नहीं हम खाने की टेस्ट का, तो मम्मी घर में ही बना रही है। चूल्हे कहाँ रखे हैं? वो रखे हैं, बच्चे तोड़ताड़ कर रहे हैं।
एंड गाइस ये रहे, पर खाना बनता था मंडवे का, पर अभी हाँ जमाने के हिसाब से पर दस्तूर करना है करके, हाँ, और अलग अलग करके दिखाना मुनारे, मुनारे क्या वो 3 मुनारे, अच्छा हाँ, तो बेसिकली ये अलग है ऐसा मम्मी का कहना है। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 मम्मी और बनाए थे मम्मी, अच्छा, तो मम्मी ने ये 5 जो है चूल्हे बनाए हैं। देखो पहले ना बड़े, मतलब बड़े चूल्हे बनते थे और उसमें खाना वाना भी बनता था, पर क्योंकि आजकल नहीं बनता है तो इसलिए मम्मी ने सिर्फ छोटे चूल्हे बनाए हैं एंड इसमें सिर्फ अंगार रख देंगे, पर इसमें कुछ बनेगा नहीं, शायद चाय बना सकती है मम्मी इसमें। इसमें ये बनता है कि मम्मी चाय बनाएंगे ना इसमें, लकड़ी लगाएंगे, मैं भी बनाऊं क्या बड़ी? आइए बताइए कुछ रात को। बिल्कुल भैया, सुनो ना, अपने को सिर्फ एक स्टीकर बनवाना है हैशटैग अंजरी करके, ऐसा वो बनकर मेरे अपने आपने बनता है ऐसे स्टीकर है, कार्ड पे लगवाना है हमको ऊपर से। तो जब उन्होंने बोला ना कि वो हैशटैग अंजलि वाला स्टिकर चाहिए तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने एक बार बोला था कि मैं कार्ड पे छपवाना भूल गई हूँ एंड उनको याद था तो उन्होंने फिर पूछा। तो ये रहे, ये पेटी है जिसमें मुझे कपड़े रखने हैं और ये मेरा एक सूटकेस है इसमें कपड़े रखने हैं और यहाँ पर पैकिंग चल रही है, ठीक है। तो मैंने सूटकेस में कुछ कपड़े रख दी थी ऑलरेडी, पर अभी और इसके कपड़े इसमें शिफ्ट करूँगी और कुछ तो भी करूँगी। ये रहे कपड़े जिसको अभी इसमें शिफ्ट करना है, और हमारे यहाँ पे तो वैसे बहुत बड़ी वाली पेटी देते हैं पर आजकल इसका फैशन नहीं है इसलिए ये छोटी पेटी से काम चलाएंगे। एंड भाई साहब थक गई मैं, ये भी लेके जाने वाली है ना, आज मैं बहुत दिनों के बाद तैयार हुई हूँ, तैयार में इन द सेंस ये कंसीलर लगाया है और इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि यार कितना चेहरा डल लग रहा है, ऑफ कोर्स मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और 2-2.5 महीने से जो ऐसे बीमार बीमार, पूरा घर का माहौल भी वैसा ही, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, एनजाइटी हो रही है और जैसे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सीवियर लेवल की ना एलर्जी है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फिर नेबुलाइजर वगैरह भी किया फिर मैंने, तो अभी थोड़ा सा आराम है। एंड जब अच्छा लगता है ना तो इस चीज़ को तो मैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा फील हो रहा है ऐसा, पर फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से कुछ ना कुछ लगने लग जाता है, बट फिलहाल तो अभी ठीक ही लग रहा है। नाउ ये वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ, आई नो इस वीडियो में कुछ था नहीं आपको ज़्यादा देखने के लिए, पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं यार नागपुर में ना कैमरा लेने ही नहीं देते, मतलब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करने देते हैं, और जब मैं कपड़े लेने भी गई थी तब भी नहीं, और देर आर लॉट ऑफ थिंग जो बची है जो मैं डेफिनेटली कल, संडे है तो मैं कल रिकॉर्ड करूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ब्लॉग्स, बाय।